फैक्ट नंबर वन। दोस्तों कन्नड़ एक्टर किच्चा सुदीप और बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन के बीच हिंदी भाषा को लेकर बवाल चल रहा है। दरअसल इस बवाल की शुरुआत एक इवेंट से हुई जहां किच्चा सुदीप ने कहा कि हिंदी अब राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अपनी फिल्मों को तमिल और तेलुगु में रिलीज करना चाह रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है और हम ऐसी फिल्में बना रहे हैं जो हर जगह देखी जा रही है। किच्चा का ये बयान अजय देवगन को खटक गया और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था, किच्चा सुदीप मेरे भाई, आपके अनुसार अगर हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है तो आप अपनी मातृभाषा के फिल्मों को हिंदी में डब करके क्यों रिलीज करते हो। इसके जवाब में सुदीप ने लिखा, हेलो अजय देवगन सर, मैंने जो ये बात कही थी वो आप तक पहुंचने पर पूरी तरह बदल गई है। मैंने ये बयान दुख देने, उकसाने या फिर किसी बहस को शुरू करने के लिए नहीं दिया था। मैं ऐसा क्यों करूंगा सर। हालांकि इन दोनों के बीच ये बवाल तो खत्म हो चुका है लेकिन कई दूसरे राजनेता और एक्टर्स इस पर बहस जारी रखे हुए हैं। दोस्तों आपका क्या कहना है इसके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। फैक्ट नंबर टू। दोस्तों हाल ही में मशहूर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स के सफलता के बाद अपनी नई फिल्म द दिल्ली फाइल्स पर काम करना शुरू कर दिया है और विवेक अग्निहोत्री ने जैसे ही यह अनाउंसमेंट किया तो सोशल मीडिया पर सुनामी आ गया। कुछ लोग तो दिल्ली फाइल्स को साल 2020 में हुई दिल्ली की घटना से जोड़ रहे हैं लेकिन सच बात तो ये है कि ये घटना 2020 की है ही नहीं बल्कि 1984 की है जहां पर सिख और हिंदू भाईचारे का अटूट संगम दिखने को मिला था जिसका सच भी लोगों को पूरी तरह से पता नहीं है। तो दोस्तों विवेक अग्निहोत्री के इस आने वाली मूवी पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले। फैक्ट नंबर थ्री। दोस्तों आज जो पाकिस्तान नफरत की आग में भारत से कोई भी मदद लेने से इनकार कर देता है उसी पाकिस्तान के लिए भारत ने एक समय पाकिस्तानी नोट छापे थे। दोस्तों ये बात है 1947 की, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान के पास खुद का कोई सेंट्रल बैंक नहीं था और उसकी ऐसी हालत भी नहीं थी कि वो अपना खुद का सेंट्रल बैंक बना सके। तभी भारत का RBI पाकिस्तान के बंटवारे के 8 महीने के बाद तक भी पाकिस्तानी नोट छापता रहा। RBI ने ही उनकी करेंसी बनाई पर उस नोट पर गांधी जी के नहीं बल्कि किंग जॉर्ज की फोटो हुआ करती थी। भारत उस समय पाकिस्तान का लोन एसेट दोनों मैनेज कर रहा था। दोस्तों क्या इससे पहले तक आपको यह पता था, कमेंट सेक्शन में लिखना मत। फैक्ट नंबर फोर। दोस्तों भले ही गुजरात टाइटन ने अपने पहले ही IPL सीजन को जीतकर इतिहास रच दिया है लेकिन उनके लिए यह सीजन जीतना उतना आसान नहीं था। दरअसल गुजरात टाइटन का पहला सीजन होने के वजह से वो ऑप्शन में अच्छे खिलाड़ियों को नहीं खरीद सकते थे। फिर भी उन्होंने एक अच्छी टीम तैयार की और पूरे टीम की कमान हार्दिक पांड्या को दी गई। ये वो हार्दिक पांड्या थे जो पहले ही T20 वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के वजह से आलोचना झेल रहे थे लेकिन 2011 वर्ल्ड कप के विनर कोच कैरी क्रिस्टन और आशीष नेहरा के इस अनुभव ने हार्दिक पांड्या को एक ऐसी टीम बनाने में मदद की जो एकजुट होकर खेल रही थी और उनकी इस जीत का श्रेय किसी भी एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि पूरी टीम को जाता है। क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी या फिर गेंदबाजी में top 3 खिलाड़ी की बात करें तो गुजरात का एक भी खिलाड़ी इसमें नहीं था। इससे यह पता चलता है कि गुजरात टाइटन किसी एक खिलाड़ी पर निर्भर नहीं था बल्कि टीम परफॉर्मेंस की वजह से जीत हासिल की है। फैक्ट नंबर फाइव। दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर खिलाड़ी बनकर छा चुके अक्षय कुमार अब सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनकर छाने के लिए तैयार है। इसका एक नमूना इस फिल्म के ट्रेलर में भी देखा गया है। जब पृथ्वीराज का ट्रेलर बनाया गया तो यह बहुत ही जल्द ट्रेंडिंग में आ गया जिसे लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है। इस मूवी में अक्षय कुमार और मानुषी चिल्लर अहम भूमिका में है लेकिन वहीं कुछ फिल्मी गुरु सवाल उठा रहे हैं कि अक्षय कुमार कॉमेडी एक्शन या फिर ड्रामा जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और पृथ्वीराज में उनका रोल उनके सभी फिल्मों से अलग है। मतलब साफ है कि अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए हटकर काम किया है। वहीं इस फिल्म की शूटिंग भी अक्षय कुमार ने सिर्फ 42 दिनों में ही पूरी कर ली जो कि किसी बड़ी मूवी बनाने के लिए बहुत ही कम टाइम है। और अब ये देखना होगा कि क्या अक्षय कुमार सम्राट पृथ्वीराज चौहान के करेक्टर को बखूबी निभा पाए हैं, क्या यह मूवी भी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूले और प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।